हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लेट मी ब्रीफ यू अबाउट माय चैनल। सो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे ब्यूटी, फैशन, स्टाइल एंड स्किन केयर वीडियोस, एंड विद दिस यू विल गेट टू सी दी ट्रैवल ब्लॉग एज वेल। तो अगर आपको ये वीडियोज़ देखना पसंद है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ डॉट इन की प्रोडक्ट्स की। जैसे कि आप जानते हैं, मैं बीच बीच में डॉट इन की प्रोडक्ट्स का रिव्यू लाती रहती हूँ। दीज आर माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द रिजल्ट्स आर रियली गुड। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टुडेज वीडियो इज डॉट इन की विटामिन सी एंड ई सीरम। सो इस सीरम के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है विटामिन सी, ई एंड नाइसिनामाइड। दैट वर्क्स रियली वेल ऑन पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स एंड गिव यू द विजिबल ब्राइट स्किन, एंड इट ऑल्सो टैकल्स द सन स्पॉट्स एंड एजिंग एंड गिव यू द ड्यूई स्किन। एंड ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से एक इंसर्ट में आता है, एंड हेयर यूल गेट द प्रोडक्ट। सो दिस इज इन ग्लास जार, एंड here you'll get the dropper to apply the serum. And this product is free from sulfates, parabens, silicones, synthetic dyes, fragrance. So बहुत ही अच्छा skin friendly product है, and अगर आपकी sensitive skin है तो आपको I think ये product काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड द शेल्फ लाइफ ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 3 ईयर, एंड इन 695 रुपीज़ यू विल गेट दी 30 ml। आप इनकी वेबसाइट पे या फिर नायका, मिंत्रा, इन सब पे भी चेक कर सकते हैं, कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा आपको। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, दिस इज़ अ सनस्क्रीन। तो इसकी अभी मुझे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि अभी मैं गोवा जाने वाली हूँ, तो मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस इज़ डॉट इन की विटामिन सी एंड ई सनस्क्रीन विद SPF 50 PA++ एंड हेयर यूल get the UVA plus UVB protection with blue light protection. इस सनस्क्रीन को लगाने से कोई भी वाइट कास्ट नहीं है। थोड़ा सा इसका टेक्सचर थोड़ा वॉटरी है, बट अप्लाई करने के बाद बहुत ही लाइट वेट लगता है। ये मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ। तो बेसिकली हम कोई भी सनस्क्रीन लगाते हैं तो उसका मेन मोटो यही होता है कि वो हमें सन टैन, सन बर्न से बचाए। एंड सनस्क्रीन का एक यूज़ ये भी होता है कि जो अर्ली एज साइंस दिखने लगते हैं वो ना दिखें, तो इसलिए सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सनस्क्रीन भी सिमिलरली आपको उसी तरीके से हेल्प करेगी, आपके पिगमेंटेशन में हेल्प करेगी, अनइवन स्किन टोन है तो उसको इवन आउट करेगी, एंड ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू विद सन टैन एंड सन बर्न एज वेल एंड अर्ली एज साइंस। And the shelf life of this product is 2 years, and you will get 50 gram in 495 rupees. So this is how it looks from inside. So this is very sleek, बहुत ही travel friendly product है, and ये sunscreen कोई भी white cast नहीं छोड़ती हमारी skin पे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। And watery texture है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो apply करने के बाद बहुत ही light weight लगती है, but it is really very effective. Okay, so the next product is this moisturizer. This is again vitamin C and E moisturizer. ये मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट अभी मैं फिर से इसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज़ अ रियली गुड मॉइस्चराइजर। अगर आपकी स्किन, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आपकी स्किन आपको सॉफ्ट नहीं लगती है या फिर बहुत डलनेस लगती है स्किन में, थोड़ी सी रफ है स्किन, तो आप इसको अप्लाई करते ही आपको अपनी स्किन सॉफ्ट लगने लगेगी। तो ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। सो लेट मी क्विकली टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स एंड अदर बेनिफिट्स। सो द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज विटामिन सी, विटामिन ई एंड शिया बटर। तो ये आपकी हेल्प करेगा आपके पिगमेंटेशन को फेड आउट करने में, एंड इट गिव्स यू द इवन स्किन, एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द स्किन डलनेस, एंड इट ऑल्सो प्रमोट द कोलेजन प्रोडक्शन विच गिव्स यू द फर्मर एंड ग्लोइंग स्किन। सो दिस इज हाउ दिस मॉइस्चराइजर विल लुक फ्रॉम इनसाइड, एंड ये ग्लास की बॉटल है, एंड इसके साथ साथ आपको एक स्पैचुला भी मिलता है आपको इस प्रोडक्ट को निकाल के एंड यूज़ करने के लिए। बिकॉज डायरेक्ट अगर हम यूज़ करेंगे तो कभी कभी किसी की सेंसिटिव स्किन होती है तो उनको रिएक्शन हो सकता है, सो दैट्स वाई दे हैव गिवन द स्पैचुला for easy application. So the shelf life of this product is 3 years, and you'll get 60 ml in 595 rupees. तो ये काफ़ी चलती है ये क्रीम, तो वर्थ इट है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। एंड आज आपको मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाए वो सारे के सारे पैराबीन, सिलिकॉन, सिंथेटिक डाइज एंड फ्रेगनेंस फ्री हैं, एंड बहुत ही अच्छे हैं सेंसिटिव स्किन के लिए स्पेशली। So go for it. So yeah, this is it guys for today's video. I hope आपको आज की video helpful लगा होगा, and अगर आप ये products purchase करने का सोच रहे हैं तो आपको एक clear picture मिल गई होगी कि आपको use करना है या नहीं करना है, खरीदना है या नहीं खरीदना है। So
दैट्स इट फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय, टेक केयर.